रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज हाजिर हूं आप सबके बीच में प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले हमारे सभी सुनने वालों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देश का हमारा सबसे बड़ा त्योहार अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और ऐसे में इस त्योहार का जो असली आनंद है वो जगमगाहट में है, दिए जलाने में है, रोशनी करने में है। तो सोचा कि आज क्यों ना आपकी ऐसे साथी से मुलाकात की जाए जो दृष्टिबाधितों के जीवन में भी कहीं ना कहीं रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। और 3 दिसंबर को आप सब जानते हैं विश्व विकलांग दिवस आता है, तो आजकल वैसे भी हम ऐसे साथियों से बात कर रहे हैं जो दृष्टिवान है मगर दृष्टिबाधित या दिव्यांग साथियों के लिए समर्पित है पूरी तरह से। तो आज बारी है उत्तराखंड की, चलते हैं। और उत्तराखंड से हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं श्रीमान नरेश सिंह न्याल साहब। नरेश जी का परिचय मैं क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नरेश जी जो हमारा देश का जो सबसे बड़ा संगठन है दिव्यांगों के लिए जिसका नाम है NIEPVD, उस संगठन में कार्यरत है। इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं, वे भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच भी हैं और गोल गाइड भी हैं। तो इतनी सारी खूबियां नरेश जी के पास, देखते हैं किस प्रकार वे ब्लाइंड बच्चों को ट्रेन करते हैं, और आज हम जानेंगे उनसे इन सभी बातों के बारे में। तो नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं, और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। नरेश सर, मेरी ओर से आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नरेश जी, जी बताएं आजकल क्या कर रहे हैं आप देहरादून में? देहरादून में अगर आप देखें तो पेंडेमिक का दौर चल रहा है और सब जगह वही है बिल्कुल। फिलहाल देहरादून में है तो थोड़ा वादियों का आनंद ले लेते हैं, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ में, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए जी। और बाकी जो सबसे जरूरी काम जो चल रहा है वो है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो हमारे दृष्टिबाधित, क्योंकि आपने मैं NIEPVD जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है उसमें फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ, और भारतीय टीम का, जैसा कि आपने बताया, भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच और गोल गाइड भी हूँ, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पेंडेमिक है और उसके बाद में मुझे अपने जो खिलाड़ी हैं उनको फिट रखना है, और साथ ही अपना जो विद्यालय है, जो संस्थान है, उसके प्रति सबको फिटनेस को लेकर अवेयर करना है, और साथ ही अपनी जो रेगुलर क्लासेज है वो भी लेनी है। तो आजकल क्लासेज चल रही है एक अलग माध्यम से चल रही है, ऑनलाइन मोड, तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अभी कुछ एक्टिविटीज मैंने करवाया था फिजिकली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दृष्टिबाधित हैं लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। क्या बात है, मतलब दोनों को ही आप सिखाते हैं? जी बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब ये बहुत मुश्किल काम रहा है इस पूरे पैंडेमिक के दौर में कि शारीरिक रूप से फिट कैसे रखा जाए अपने आप को जबकि खेल गतिविधियां संपादित नहीं है, तो अभी कैसे सीखना सिखाने का काम कैसे चल रहा है सर, अभी जब खेल वेल तो हो नहीं रहे कहीं भी? बिल्कुल संदीप जी, सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि खेल हो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमको फिट रखना। तो ये ऐसा आया, मैंने शुरुआत में क्या किया, जैसे ही लॉकडाउन जब पहला फेज जब शुरू हुआ जी, तो मैंने ये देखा कि जो हमारे दृष्टिबाधित हैं ये क्या करेंगे अभी, तो मैंने अपने ही घर से, और उस टाइम में बल्कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही थी, और आजकल तो ये एंगेज है लेकिन उस टाइम में एंगेज भी नहीं थे जी। कहने का मतलब है कि वो बोर्डम आ जाता और बहुत जल्दी इनको ऐसा हताशा सी हो जाती और ऐसा लगता शायद हमें कोई पूछ नहीं रहा है जी। तो मैंने घर से ही होम स्टे चैलेंजेस डिजाइन की जी। और उसमें मैं जो भी इंटरेस्टेड थे उन्हीं को नहीं बल्कि बाकी जो दूसरे स्टेट्स के, आपको ताजुब होगा कि जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो लोग भी हमसे जुड़े, और इवन ऑस्ट्रिया से एक ब्लाइंड फुटबॉलर है वो भी हमसे जुड़ी, महिला ब्लाइंड फुटबॉलर। क्या बात है, वाह जी। उन्होंने भी हमारी जो होम स्टे चैलेंजेस है उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। होम स्टे चैलेंजेस में होता यह था कि मैं एक्टिविटीज डिजाइन करता था फिजिकल और उसको देता था उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, और
अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देता था और उसके बाद वो फिर उसे रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर आप बोलोगे वो मुझे दोबारा कॉल करते थे और बोलते थे कि सर हमारे पास इस वक्त मोबाइल पकड़ने के लिए कोई नहीं है, हमारी वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है। तो वो मुझे बड़ा खटकता था और मुझे लगता था यार कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं उनको फिर टाइम एक्सटेंड कर देता था क्योंकि मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा था जी। तो उसमें दिक्कत नहीं थी। जहां एक दिन होता था मैं चलो कोई बात नहीं कल कर आप कल करके भेज देना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप किया और उसके बाद में उनको भी बड़ा मजा आता रहा। और इसमें मैंने और थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो दृष्टिवान और दृष्टिबाधित दोनों को साथ में लेके आया और लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ये हमने टोटल 26 होम स्टे चैलेंजेस चलाई मैंने शुरुआत में। अरे वाह। और उसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस और म्यूजिक के भी थे। हालांकि मैं म्यूजिक फील्ड से हूं नहीं लेकिन मैंने फिर भी वो चीज कराया। कॉम्पिटिशन जजेस बाहर से बुलाता था। अच्छा। और इसी तरह से अलग अलग एक्टिविटीज कराई। तो टोटल 26 होम स्टे चैलेंजेस कराए और उसके बाद में फिर बाहर से लोगों ने वर्चुअल रन और ये सब कराना शुरू कर दिया था और इनकी क्लासेस भी शुरू हो गई। तो ये लोग थोड़ा एंगेज हो गए। यहाँ से ऐसे शुरुआत हुई। क्या बात है। आगे मैं आपसे ये सब पूछूंगा कि और क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, लेकिन पहले ये बताएं हमारे सुनने वालों को कि आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं दृष्टिबाधितों के साथ और आपका अनुभव कितना पुराना है इस क्षेत्र में। अगर मेरा आप दृष्टिबाधितों के साथ अगर अनुभव पूछेंगे तो 2015 से मैं इनके साथ हूँ और मैं बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में। मैं इसको नया मानता हूँ बिल्कुल। इसीलिए तो आपके मतलब ये जिज्ञासा कैसे जागृत हुई और थोड़ा सा अपना इससे पहले का भी बैकग्राउंड बताइए हमारे सुनने वालों को। जी संदीप जी आपने ये बड़ा अच्छा हो किया। मैं इससे पहले भारतीय वायुसेना में था, इंडियन एयरफोर्स में था और वहां से मैंने 15 साल सर्व किया। 15 साल करने के बाद में मैंने वहां स्पोर्ट्स किया और उसके बाद में मैं डिप्लोमा लिया मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और उसके बाद में कोच बना। वहां भी मैं स्पोर्ट्स में ही था जी। और जब मैं 2013 में रिटायर हुआ तो उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल में राणा इंटरनेशनल स्कूल जो कि डेगाना में स्थित है राजस्थान में। आहा, हमारे बिल्कुल नजदीक है। जी 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 बिल्कुल आपके बिल्कुल करीब है। तो वहां पर मैंने अपना बच्चों के साथ में जो मेरा सफर शुरू था एक शिक्षक के जरिए वो पढ़ाया और फिजिकल एजुकेशन मैं वहां पर फिजिकल एजुकेशन टीचर था और क्लास 9 से लेकर 12 तक मैं पढ़ाता था जी। और वहां पर करता था। उसके बाद में 2015 में मुझे पता चला कि यहाँ पर पोस्ट निकली है NIPVD में जी। तो मेरे मन में और मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर हैं, पहले से ही वो कार्यरत हैं। अच्छा। वो ITAT एजुकेटर हैं राजेंद्र सिंह नेगी जी। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि वो ब्लाइंड है या साइटेड है। वो ब्लाइंड है। अच्छा। जी पार्सल आपके रियल ब्रदर इन लॉ है। मेरे रियल ब्रदर इन लॉ। ओके ओके। इसलिए आपका थोड़ा सा संपर्क रहा है NIPVD से, है ना। संपर्क नहीं कह सकता क्योंकि वो खुद भी 2012 में आए। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में वो आए तो मेरा पहली बार यहाँ आना भी तभी हुआ था जी, 2014 के लास्ट में। अच्छा। तो फिर उन्होंने देखा एडवर्टीजमेंट निकला था तो उनको पता था मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो उन्होंने बोला मतलब ऐसे कैजुअली जैसे बात करते हैं ना हम कि बिल्कुल, आप एक पोस्ट देख यार एक पोस्ट देखना वो निकली हुई है तो अगर इलिजिबल हो तो भर देना जी। तो मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि जैसा कि आपने कहा मैं NIS क्वालिफाइड था और एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था बिल्कुल। तो मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया जी। हाँ मैं वापस चला गया डेगाना मैंने ज्वाइन कर लिया और डेगाना में करने के बाद में फिर कम से कम 7-8 महीने की बात है कि तब मुझे कॉल किया गया एग्जाम के लिए। अच्छा। तो तब एग्जाम के लिए कॉल किया गया तो मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद भी मुझे 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला और मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने लास्ट के 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया जो। अच्छा। लास्ट डेट थी ज्वाइन करने की। अच्छा अच्छा। हाँ तो मेरी जिज्ञासा की जहां तक बात है मेरे मन में ये था कि वो तो मैं सब कुछ करके आ गया क्योंकि एयरफोर्स में था खुद भी स्पोर्ट्स कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ हटके करते हैं ये बस एक बात थी आपके मन में। जी बिल्कुल मेरे मन में ये था कि कुछ हटके करते हैं कुछ और चैलेंजेस लेते हैं जो कि मैंने सर्विस में सीखा था। तो वो बात मेरे असर कर गई और मैंने तुरंत फिर वहां रिजाइन करके और यहां मैंने ज्वाइन किया 2015 मार्च में। ऐसे मैं आया कि कुछ अलग करना है और कुछ हटके करना है कि पैरा स्पोर्ट्समैन निकालते हैं।
ये मैं अपने मन में ले, आपके मन में एक था कि अब पैरा स्पोर्ट्समैन और कहीं ना कहीं पैरा ओलंपिक भी आपके जहन में रहा होगा। टारगेट वही है। बिल्कुल टारगेट वही है, बहुत अच्छी, वो भी एक चैलेंज है, तो वो भी चैलेंज पूछेंगे आपसे उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ आने से पहले आपने समझा था कुछ कि भाई दृष्टिबाधितों को आपको सिखाना है या किस तरह की लाइफ होने वाली है? कुछ आपने अपने आप से बात जब की थी तो क्या सोचा? मैं खुद से जब बात कर रहा था, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अक्सर ये प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं जब आप खुद से बात कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी कि ऐसी बातें अक्सर दूसरों से ज्यादा खुद से होती हैं। खुद से होती हैं, exactly। तो जब मैं एक दिन बैठा हुआ था और मुझे आना था, इधर को निकलना था और वहां मेरी फेयरवेल हो चुकी थी और मैं शाम को ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे मन में आया कि अभी तक मैं कराता था, एक बॉल हम खेलते थे तो उसका कलर दिखता था और उसके बाद हम सेलिब्रेट करते थे तो एक दूसरे के एक्शन, जो सेलिब्रेशन के अलग अलग एक्शन है उस पर भी हम और ज्यादा आनंदित हो जाते थे जी, और ज्यादा मतलब मजा आता था हमें जी जी। अब कैसा होगा ये, इस तरह के प्रश्न मेरे मन में अपने आप ही आने लगे। अब कैसा होगा, ठीक है हम पानी पानी की जो तरंगे हैं वो चीज होती हैं और उसके बाद पत्ते हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं सभी को पता है हवा चलती है, पता है जी। लेकिन जो दृष्टिवान है वो ये देख लेता है कि पत्ते रंग बदल रहे हैं, ये एक खासियत थी। तो मुझे लगा यार ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा उनको, तो जब आता था कि मैं दिखाऊंगा उनको, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा, तो मुझे लगता था यार बड़ा मजा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अलग फील्ड से आ रहा था। तो ऐसे ही कुछ जद्दोजहद चलती रही मेरे मन में और शायद कुछ अलग करने का और कुछ चैलेंजेस लेने का जो मादा था वो ज्यादा ऊपर थी, इसलिए मैं फिर इधर आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आने के बाद कितना वक्त लगा आपको नरेश जी आने के बाद गतिविधियों को समझने में और ब्लाइंड बच्चों के साथ एडजस्ट होने में? ये मेरी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो शायद गलत हो जाएगा, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो दृष्टिबाधित हैं और जो बच्चे हैं। जी जी। मुझे हार्डली 10 या 15 दिन हुए थे जी, और एक लड़का मेरे पास आया और टोटली ब्लाइंड है। अच्छा। VI है वो आया, बोलता है उसका कहना था कि सर आप कैसे पकड़ लेते हो इतनी जल्दी सब चीजें। तो तब मुझे लगा कि शायद मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। सही है। और क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड है और उसके बाद में वो अगर बोल रहा है कि सर आप कैसे पकड़ लेते हो, आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हो VI के एक्टिविटीज को, बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, तो तब मुझे लगा शायद सही है, क्योंकि आप खुद का आकलन आप कर सकते हैं। वो जो संवेदनाएं होनी चाहिए एक इंसान में वो आपकी जागृत थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मैं day 1 से जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मैं इनके साथ जब मिलने लगा, तो बल्कि जब मैं असेंबली में एड्रेस कर रहा था फर्स्ट डे जी, तो मैंने अक्सर लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मुझे कहा गया जब मेरा नाम लिया कि असेंबली को एड्रेस कीजिए करके, तो मैंने बताया अपना परिचय दिया और मैंने कहा कि कुछ आप मुझे सिखाएंगे और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा और दोनों गिरेंगे, कहीं आप मुझे उठाओगे कहीं मैं उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मारूंगा भी और प्यार भी उतना ही दूंगा। तो ये मेरा पहले दिन का एड्रेस था, बहुत छोटा सा इस तरह का था। तो पता नहीं क्यों लड़कों को शायद जो भी लगा होगा जो दृष्टिबाधित थे, और मेरा शुरुआत से ही जो सीखने का होता बड़ा अच्छा चलता रहा, बल्कि मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे सीख गया सब कुछ जी। इतनी जल्दी या जैसे भी था। तो आज बड़ा अच्छा लगता है जब कोई खासकर जो B1 कैटेगरी का है, यानी कि जो पूर्णतः दृष्टिबाधित है, वो आके बोलता है और वो बोलता है कि जब मैं उसे कहीं घुमाने ले जाता हूँ, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जब मैं ट्रैकिंग पे गए और जब मैंने उसे बताया है, उसके चेहरे पे वो चीज वो भाव आ जाते हैं कि हाँ इसके समझ में आ गया और ये एंजॉय कर रहा है इसको जी। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है उस चीज से और मजा आता है, खुशी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया या किसी का, ऐसा वाला मिलता है जी बिल्कुल कि हम साथ वाले हैं और हम दोनों उस पानी को देख पा रहे हैं, उस पानी की तरंगों को हम दोनों साथ साथ देख पा रहे हैं, तो वो एक सुकून मुझे हमेशा मिलता रहा है। क्या बात है नरेश जी, जबरदस्त। मतलब लग रहा है कि ये 5 साल आपके कितने उत्साहपूर्ण रहे हैं, ये आपकी बातों से ही हमें महसूस हो रहा है। तो आप स्कूल के जो बच्चे हैं पहली कक्षा से 12वीं तक, उनको पढ़ाते हैं या कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनको भी आप सिखाते हैं?
मैं जो हमारे यहाँ पर मॉडल स्कूल यानी कि आदर्श विद्यालय जो है वहाँ नर्सरी से लेकर 12 तक है, तो मैं स्कूल में हूँ और मैं इन्हीं को सिखाता हूँ इनके साथ में। लेकिन जब इसकी बात आती है पैरा स्पोर्ट्स की, तो मैं स्टेट के जो इवन जो ऑर्थो है पूर्णतः दृष्टि बाधित जो VI कैटेगरी है वो तो है ही है, लेकिन जो जो दूसरे डिसेबिलिटी के लोग हैं उन्हें भी बिल्कुल बिल्कुल आप कोच करते हैं। बिल्कुल मुझे बुलाते हैं तो मैं उनको भी जाके कोचिंग देता हूं, और मेनली जो मैं हूं वो आदर्श विद्यालय में हूं तो बच्चों के साथ ही ज्यादा रहता हूं। क्या बात, बहुत खूब। और नरेश जी, ये जो फुटबॉल का सफर है जी, ये कैसे शुरू हुआ? संदीप जी, ब्लाइंड फुटबॉल की अगर आप बात करेंगे तो मेरा जो पहला दिन था ब्लाइंड फुटबॉल में, जहां तक बात है, मैं एक एस्कॉर्ट के रूप में गया था, दो लड़कों को लेके यहाँ से एक एस्कॉर्ट के रूप में गया था। और एस्कॉर्ट की ड्यूटी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है जी, क्योंकि जी, एक स्पोर्ट्स फील्ड से ही आता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए पहले ही जी। तो मैं कोच्ची हम गए और वहां जाके मैं साइड बैठ जाता था। वहां कोई कैंप था या टीम? वो इंडिया कैंप था। अच्छा, इंडिया कैंप था। हाँ, इंडिया कैंप था, जिसमें हमारे दो लड़के पंकज राणा और अश्वनी कुमार, दो लड़कों का सिलेक्शन था। अच्छा, तो उसके बाद में जब मैं लेके गया तब मेरा बिल्कुल नया था और ब्लाइंड फुटबॉल मैंने देखी भी नहीं थी। देखी हुई जी, हाँ, ये बात बता रहा हूँ मैं 2015। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि यार ये मतलब फुटबॉल में कैसे झंडे गाड़ेंगे बच्चे। बिल्कुल 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 तो मेरा ये था कि अब मैं एस्कॉर्ट गया था, बाहर बैठता था, इनको देखता रहता था जी। और वहां पर जो हमारे हेड कोच हैं आज सुनील जे मैथ्यू और MC रॉय सर, इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बात किया, क्योंकि इनको ये पता था कि ये तो एस्कॉर्ट आया हुआ है, तो ज्यादा कुछ वो हुआ नहीं। और उसके बाद मैं लड़कों से मिलने लगा, मैं वहां पर रामदास हरे समीर, ये जितने सीनियर्स थे जी, जी, ये लोग इवन धन्ना धर्मा जो आपके राजस्थान से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, राजस्थान से धन्ना राम जी, बिल्कुल धन्ना राम और धर्मा राम दोनों जी, तो जी, इनके ये लोग भी कैम्प में थे। तो मुझे लगा यार ये कौन सा गेम है, क्योंकि फुटबॉल में खेला हुआ हूँ जी, लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल और ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे मेरे मन में वो चीज आने लगा, जैसा कि आपने कहा कि मेरे मन में भी जिज्ञासा होगी, वो जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी मेरे मन में। तब मुझे लगा कि, और मैं इनसे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इनसे पहले जाता था और जितने बोर्ड रखने होते थे, क्योंकि इसमें साइड बोर्ड्स लगते हैं। यहाँ मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा था, आप अपनी बात तो पूरी करिएगा, लेकिन चूंकि हमारे सुनने वाले जो हैं यहाँ आसपास के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के या जो भी साइटेड लोग इस हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्होंने वो फुटबॉल तो देखा है, उन्होंने मैराडोना और रोनाल्डो और मेसी और सबको तो देखा है ना, लेकिन ये ब्लाइंड फुटबॉल जरा मतलब क्या अलग है इसमें उस फुटबॉल से, थोड़ा सा आप इस बारे में बता पाए कि इस खेल में क्या अलग है? बिल्कुल, अगर आप, मैं इतना कहूंगा कि वहां अगर आप मैराडोना, पेले और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं, तो यहाँ पर आप पंकज राणा, धन्ना राम, धर्मा राम और उसके बाद में आप गैब्रियल, शिवम सिंह नेगी, अश्विनी, इनको देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। अब ये जो फुटबॉल है संदीप जी, ये 20x40 के ग्राउंड में खेली जाती है, यानी कि 20 मीटर चौड़ाई होती है। पहले तो आप ये बताइए, ये वही फुटबॉल होती है या कुछ अलग होती है फुटबॉल? नहीं, बिल्कुल, चलिए पहले बॉल पर ही आ जाता हूँ, मैं सोच रहा था बॉल में बात पे आऊंगा, लेकिन अच्छा, आपने जो जिज्ञासा है इसको देख के मुझे बड़ा मजा आया। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं, जब खेल की बात आती है तो सबसे पहले चाहिए किससे खेलेंगे, उस किससे खेलने में सबसे पहले आती है फुटबॉल। तो जो ब्लाइंड फुटबॉल होती है, ये जो हमारा नॉर्मल फुटबॉल है उसकी जो साइज होती है वो 6 से खेलते हैं, तो यहाँ जो 4 नंबर का जो बॉल है वो होती है साइज के हिसाब से। अच्छा, और जो फुटबॉल होती है, जो साइडेड फुटबॉल है, उससे 100 ग्राम ज्यादा भारी होती है ये। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि भारी क्यों होती है, अब आप बोलेंगे कि भारी क्यों होती है भाई। बिल्कुल, हाँ, ये भारी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भारी इसलिए होती है क्योंकि इसमें बॉल बेयरिंग्स होती हैं अंदर, जो कि एक डिब्बी सी बनी होती है और उसमें लगे होते हैं जी। और जब बॉल रोल होती है ग्राउंड में तब इसमें आवाज आती है। अच्छा जी, ये आवाज करती है और आवाज करके आपको ग्राउंड में जैसे ही रोल होगी, और वेट ज्यादा रखने का रीजन ये है कि हवा में ज्यादा न जाए, क्योंकि अगर हवा में ज्यादा रह गई तो फिर ब्लाइंड फुटबॉलर खेल नहीं पाएगा, वो ज्यादा जंप करेगी और इधर उधर दूर बिल्कुल हो जाएगी, है ना? हाँ, और उसकी आवाज भी नहीं आएगी ना, फिर आवाज भी नहीं आएगी, बिल्कुल, हाँ, ज्यादा डिस्टेंस भी अंडरआर्म चल, ज्यादा डिस्टेंस भी वो कवर ना करे, बिल्कुल रीजन रहा होगा जी, बिल्कुल, और साथ में आवाज भी उसकी आती आती रहे। तो ये तो हो गई आपकी फुटबॉल जी।
अब ये फुटबॉल हो गई, अब चाहिए कि किससे खेलेंगे, हो गया कहाँ खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे में जो इसका ग्राउंड है, अगर हम पैरालंपिक की बात करें, और सबसे बड़ी बात है संदीप जी आपको बता दूं जितने भी सुनने वाले हैं, अगर कोई ब्लाइंड फुटबॉल खेलता है ये पैरालंपिक स्पोर्ट है। अच्छा, तो अगर कोई ब्लाइंड फुटबॉल शुरू करता है तो वो पैरालंपिक तक जा सकता है। जा सकता है, एग्जैक्टली। जी 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 बिल्कुल। इतना लंबा सफर और एक महाकुंभ खेलों का, जिसे हम कहते हैं ओलंपिक को, वैसे ही पैरालंपिक है, तो वहां तक जा सकता है। तो जहां पैरालंपिक की बात आती है, तो उसी तरह से जब इसका ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है वो टर्फ पे खेला जाता है। अच्छा, तो जो इसकी सरफेस होती है वो अगर ग्रास भी होती है तो बहुत छोटी होती है, आर्टिफिशियल ग्रास होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल ग्रास। और हाँ, और ज्यादातर ये मतलब टर्फ पे खेला जाता है जो इंटरनेशनल पैरालंपिक में जो खेला जाता है। जी जी जी। और इसके जो बूट्स होते हैं वो छोटे स्टड्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फुटबॉल में क्या ना, उसके स्टड्स बड़े होते हैं। बड़े होते हैं जी। हाँ, तो इसको हाफ स्टड्स बोलते हैं। अगर हम जो बूट पहनेंगे फुटबॉल के, अगर आप बोलेंगे टर्फ शू बोलेंगे, तो आपको ये वो वाला देंगे जो हम ब्लाइंड फुटबॉल में भी इस्तेमाल करते हैं। ये है। अब ग्राउंड जो होता है इसका वो 20x40 का होता है। अच्छा, यानी कि 20x40 मतलब 20 मीटर चौड़ाई होती है और 40 मीटर लंबाई होती है। और जो ग्राउंड के दोनों तरफ 40 मीटर है, वहां पर बोर्ड्स लगे होते हैं जिनको साइड बोर्ड बोलते हैं। साइड बोर्ड। जी जी, साइड बोर्ड बोलते हैं, जो 1.20 मीटर से 1.22 मीटर हाइट होती है उनकी। जी। और वो लगे होते हैं दोनों तरफ, वो इसलिए लगे होते हैं ताकि बॉल बाहर ना जाए। जी, जी। और उनसे लग के बॉल वापस आ जाएगी। वापस आ जाए। जी बिल्कुल। तो उसमें खेलते हैं, लेकिन गोल लाइन की तरफ को दोनों तरफ खुले होते हैं। जी। जो 20 मीटर है वहां नहीं होता, वहां क्योंकि वहां सेंटर में गोल पोस्ट होगा। अच्छा, तो जो गोल पोस्ट होता है इसका, ये छोटा होता है, वो 2.14 इसकी हाइट होती है मीटर्स, और 3.66 मीटर से इसकी जो चौड़ाई होती है। चौड़ाई होती है। जी जी हाँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो, चलिए वहां बाद में आता हूँ खिलाड़ियों में, पहले ग्राउंड की बता देते हैं। जो ग्राउंड है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। अच्छा। हाँ, आप अगर लंबाई की बात करें तो मैंने 40 मीटर बताया आपको, तो उसका 20 मीटर हाफ हो गया। बिल्कुल। और जैसे ही हाफ हुआ तो जो गोल लाइन है, गोल लाइन से यानी कि गोल पोस्ट की दोनों तरफ की गोल लाइन है ना। बिल्कुल, दोनों तरफ की गोल लाइन मान लीजिए, वहां से 12 मीटर ग्राउंड की तरफ को ब्रोकन लाइन होती है, यानी कि जो डॉटेड लाइन होगी, पूरी लाइन नहीं होगी और डॉटेड लाइन होगी। अच्छा। उसको बोलते हैं, वो गोल गाइड का एरिया होता है। अच्छा, गोल गाइड का। और अभी मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, पहले मैं बता दूं आपको। उसके बाद जो सेंटर का, अब अगर 12 मीटर उधर चला गया तो इधर कितना बच गया, 8 मीटर बच गया, 20 मीटर। जी 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 हाँ। और दूसरी तरफ से भी वैसे ही ले लीजिए, 8 मीटर बच गया। तो जो 16 मीटर होता है, जो बीच का 16 मीटर है वो, बीच का 16 मीटर है और दोनों तरफ की गोल का जो एरिया है वो 12 12। बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 हो गया है ना। जी जी। तो जो बीच का एरिया होता है वो होता है सेंटर कोच का। सेंटर कोच का। ओके जी। जो टीम का कोच होता है वो साइड बोर्ड के साथ में रहता है। अच्छा। और जो गोल गाइड है वो दूसरी तरफ के, जैसे जो दूसरी तरफ का गोल पोस्ट है उसके पीछे रहता है। जी। गोल गाइड, और थाईलैंड का मैच चल रहा है। अच्छा। मैं इंडिया का गोल गाइड हूँ। जी। और हम खेल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। जी। मान लीजिए हमारी टीम, जो इंडिया की टीम है, वो ईस्ट से खेल रही है और वेस्ट की तरफ को गोल मार रही है। जी। अब जो हमारा गोल कीपर है वो तो ईस्ट वाले गोल पोस्ट पे होगा ना। बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया का गोल गाइड है वो वेस्ट वाले गोल पोस्ट पे, उसके पीछे होगा, यानी कि थाईलैंड के गोल कीपर के पीछे होगा। अच्छा। हाँ। और जो थाईलैंड का गोल गाइड है वो होगा इंडिया वाले के पीछे होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि दोनों तरफ वो गाइड कर सके। बिल्कुल। अब होगा क्या कि जब मेरी एरिया में आएगा, यानी कि गोल गाइड की एरिया में आएगा, तो वहां से गोल गाइड शुरू करता है, जैसे कि जो मैंने 12 मीटर आपको बताया था शुरुआत में, वो 12 मीटर में गोल गाइड गाइड करता है प्लेयर्स को। अच्छा। और वही है जो गोल करवाता है। अच्छा। क्योंकि उसको पता रहता है कि कहाँ डिफेंड है, क्या है, किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। इसकी और शब्दावली है कुछ स्पेशल होती है ब्लाइंड के संदर्भ में अगर देखें तो? बिल्कुल। शब्दावली में जो जो बहुत खास वर्ड है, एक वो है वॉय 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 वॉय, क्योंकि जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में हमने देखा है रेडी एंड प्ले इस तरह से बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वही बता रहा हूँ, इसमें होती है वॉय। वॉय मतलब लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं कि आई एम हियर, वो बता रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा अच्छा। मुझसे बचो, मतलब मैं इधर हूँ, मुझसे बचो। बिल्कुल। अब आप
खेल रहे हैं, मान लीजिए आप और मैं खेल रहे हैं, मेरे पास कॉल है, तो आपको हर 4 सेकंड से पहले पहले आपको वॉय बोलना है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फॉल दिया जाएगा। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि अगर कोई भूल जाए बोलना। बिल्कुल, तो फॉल होगा, फाउल होगा। ओके, हाँ, और ओपोनेंट को मिल जाएगा एडवांटेज उसका। और इसमें पेनल्टी और ये सब होता है? सब कुछ होता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही होती हैं, बाकी जो रूल्स हैं वही हैं, सिर्फ मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया हूं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप जी, आपको ये जानकर बड़ी मतलब बड़ी हैरानी होगी कि जो इसका गोलकीपर होता है जी, वो साइटेड होता है। अच्छा, वो साइटेड होता है? फुल्ली साइटेड होता है। अच्छा, दोनों तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसमें, इसका मतलब हमारे क्रिकेट में जैसे B1 B2 B3 होता है, तो B4 भी हो गया एक तरह से। इसमें B6 मानी है उसको, 4 भी नहीं, 6। हाँ, वो 6 हो गया जी। जी हाँ, बिल्कुल 6x6 वाला हो गया जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो B1 खिलाड़ी है वो 6x6 को जाके गोल मारता है। तो यार भाई साहब, मेरे यहाँ पर एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जी जी, क्या मतलब सुनील छेत्री भारतीय ब्लाइंड टीम का गोल, वो मतलब गोलकीपर बन सकता है? क्यों नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल बन सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे हाँ, तो कई जगह मतलब टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है इस तरीके से। तो बिल्कुल, इसलिए हम लोग जब गोलकीपर का सिलेक्शन करते हैं तो मेनली इसमें क्या है, छोटी एरिया है और बॉल सडन आती है, तो हम लोग जो हैंडबॉल के गोलकीपर्स होते हैं जी, ज्यादातर उनको लेते हैं, क्योंकि जो फुटसाल है, फुटसाल और हैंडबॉल मिलता जुलता है जी 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 जी, तो उनके गोलकीपर्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी और ये है वो लगभग हमारे गेम से मिलता जुलता है। लेकिन तो यार कोई ठान ही ले कि मुझे तो पैरालंपिक जीतना है भाई साहब, कोई देश ठान ही ले, अब वो मान लो मेसी को ले आए या रोनाल्डो को ले आए, तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी को गोलकीपर्स नहीं है वो। नहीं, वो नहीं है बाई द वे, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिनेदिन जिदान आ जाए मान लो, चलिए वो भी नहीं है अभी, वो भी नहीं है, कोई भी आ जाए मान लीजिए, बुफोन, बुफोन को ले लीजिए गोलकीपर को, बुफोन को ले लीजिए, लेकिन वो आपको ताज्जुब यह होगा कि वो उतना अच्छा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा। ओके, प्रैक्टिस जब तक, ये है मेन बात, ये मेन पॉइंट है कि इस खेल की यानी ट्रेनिंग, हाँ, अभ्यास भी उनको होना जरूरी है। ऐसा नहीं बिल्कुल केवल आ गए और झंडे गाड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वर्ल्ड का टॉप गोलकीपर लेके आ जाइए, और इवन इंडिया के गोलकीपर्स भी हैं, उनका अपना गेम है, हमारा अपना गेम है। बिल्कुल, ये बहुत सही है। वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे इसकी गारंटी, इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिस तरह से हम लोग करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप अच्छे को लेके आएंगे, और अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है और टाइम बिताता है ब्लाइंड फुटबॉल के साथ में, वो बहुत अच्छा जल्दी बन जाएगा। जल्दी, बाकी भाई साहब प्लेयर्स की संख्या और वो सब वही रहती है? नहीं, इसमें जो प्लेयर्स हैं, एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। ओके, हाँ, एक गोलकीपर हो गया, और 4 जो हैं वो B1 होते हैं। अच्छा, टोटली ब्लाइंड? जी, टोटली ब्लाइंड। इनकी कोई पहचान के लिए कुछ पट्टी वट्टी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, अभी वही आ रहा हूँ मैं। जब एक एक जो ब्लाइंड फुटबॉलर अंदर जाता है, तो सबसे पहले उसका आई पैचिंग बोलते हैं उसको हम, आई पैचिंग, हाँ, वार्म अप से पहले देखिए कितनी लेयर चढ़ती हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्योंकि गेम ये कहता है कि आपको हर चीज फेयर होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए जी। तो उसी तरह से इसमें सबसे पहले एक कॉटन का गॉज लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में टेप लगाया जाता है। ओहो, और टेप करने के बाद में फिर एक जो बैंडेज होती है उसका गॉज लगाया जाएगा मोटा। क्रिकेट वालों सुन लो जरा जी, हाँ बिल्कुल सही कहा, ब्लाइंड क्रिकेट, बिल्कुल सही कहा। और जी, उसके बाद में टेप करने के बाद में यहाँ भी नहीं छोड़ा जाता, उसके बाद बाहर से हेड गार्ड लगाया जाता है, जो कि ब्लाइंड फोल्ड की तरह। जी 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 जी। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कपड़ा लगा दिया इससे तो दिख रहा होगा, वो रबर का है। मैं श्रोताओं को बता दूं, सुनने वालों के लिए, कि क्या होता है कि ये सब इसलिए जरूरी है दोस्तों कि किसी तरह की कोई चीटिंग की गुंजाइश ना रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से सजता संवरता है एक ब्लाइंड फुटबॉलर, और उसके बाद भी जाके जो साइटेड गोलकीपर है उसको जाके गोल मारता है। अच्छा, ये जो हेडर वेडर और ये सब भी होता है क्या भाई साहब? इसमें हेडर नहीं होता, नहीं होता ना? हाँ, बॉल का वेट है, और उसमें वो लोहा जो आयरन का वो भी है बेल से, तो इसलिए हेडर नहीं होता, क्योंकि बॉल नीचे ही चलती है ज्यादातर। बिल्कुल, लेकिन हाँ, बॉल किक करते हैं, बहुत जबरदस्त किक होती है, लेकिन हेडर नहीं होता।
क्योंकि बॉल हवा में है तो आप हेड ले जा भी नहीं सकते ना, कहाँ आपको पता ही नहीं लगे एक जो B1 है उसको। अच्छा हवा में तो आवाज नहीं। आपने बताया गोल गाइड, तो आप मतलब बेसिकली जब भारत की टीम खेल रही होती है तो गोल गाइड का भी काम करते हैं आप? तो बिल्कुल, मैं गोल गाइड ही करता हूँ जब भारतीय क्रिकेट टीम, यहाँ पर मैं असिस्टेंट कोच जाता हूँ, लेकिन जो ऑन फील्ड मैं गोल गाइड का काम करता हूँ, और सुनील जे मैथ्यू जो हेड कोच है वो चीफ कोच के वहां पर रहते हैं, सेंटर कोच। अच्छा हाँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो पहला जो फील्ड गोल जैसे किया था पंकज राणा ने, जब यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज हुई थी कोच्चि में, लाओस मलेशिया और इंडिया जी 2016 में जी, तो उसमें पंकज राणा ने मलेशिया के अगेंस्ट, मलेशिया का गोलकीपर बहुत अच्छा है, और पंकज राणा ने फील्ड गोल किया था जी, और सबसे बड़ी बात है कि पंकज राणा का भी वो पहला गोल था और मेरा भी पहला गोल था एज अ गोल गाइड, पहला इंटरनेशनल गोल था। क्या बात है जी जी जी, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई, और उसके बाद तो हमने इवन बेल्जियम को भी गोल मारा, और इस बार शिवम सिंह नेगी ने हाल ही में जो थाईलैंड से खेल के आए हम जी जी, तो शिवम सिंह नेगी जो मेरा ही यहीं का खिलाड़ी है NIPCB का, जी हाँ बिल्कुल, और उसने एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में जो थाईलैंड में हुआ था पटाया में उसने 2 गोल मारे। क्या बात है। तो भाई साहब भारत कितने टूर्नामेंट जीत चुका है अब तक आपके आने के बाद से? कुछ मेरे आने के बाद टूर्नामेंट तो नहीं जीता है, लेकिन मैचेस अब हमने जीतना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया मतलब इंडिया की टीम धीरे धीरे। अच्छा चलिए, इसको यूं अगर पूछा जाए कि भारत की टीम वर्ल्ड में किस नंबर पे है? अभी भारत की टीम वर्ल्ड में 29th रैंक पे है, जबकि 64 अभी टोटल खेल रहे हैं देश। बिल्कुल बहुत बढ़िया, और धीरे धीरे ये और ऊपर आएगी हम ये उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एशिया में अभी 5th रैंक पे आ गई है। आपकी नजर में, आपकी नजर में भारत का अभी बेस्ट प्लेयर कौन है फुटबॉल में? ब्लाइंड भारत का अगर बेस्ट फुटबॉलर अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 2 लोगों का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा जी। एक पंकज राणा है जो कि अच्छा ड्रिबल करता है, बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अरे वाह। दूसरा एक गैब्रियल है जो कि बहुत उसका स्पीड है और स्पीड के साथ बॉल को बहुत जल्दी ले जा सकता है। लेकिन एक प्लेयर है जिसको मैं हमेशा अगर मैं बोलता हूँ कि इस प्लेयर को मुझे दे दो वो है फलहान, केरल का जी। बिल्कुल, उसका जो गेम सेंस है जी वो बहुत अच्छा है। क्या बात है। वो और जो हमारे गोलकीपर्स हैं वो लोग तो है ही, वो तो कह रहे हैं ठीक है। बिल्कुल। तो भाई साहब वैसे बहुत ही शारीरिक मेहनत वाला खेल माना जाता है फुटबॉल। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जब ब्लाइंड साथी खेलते हैं तो मतलब बाहर से जो देखने का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है उस समय? बाहर से, हाँ बिल्कुल, अगर आप बाहर से देखने का एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं आपको एक खिलाड़ी बताऊंगा, अगर आप कभी मिलेंगे तो उससे। सोवेंद्र एक खिलाड़ी है जो कि अभी एशियन चैंपियनशिप इंटरनेशनल खिलाड़ी है हमारे यहाँ से जी। और वो मुझे लग रहा है जो कोरिया और जापान इनका जो खिलाड़ी है उनके जो थाइज होती हैं वो कहीं उसकी कमर के बराबर ना हो। अरे बाप रे। लेकिन लेकिन जब उसने फील्ड में उनको भी नचाया तो मैं उसको वाल बुलाता हूँ अक्सर। क्या तो, बात है। वो इस तरह का है, तो बेसिकली यही है कि आपको ट्रेनिंग कितना अच्छा आप करते हैं, और जहां तक जो लड़के मेरे साथ यहाँ पर NIPBD में रहते हैं तो उनको तो मैं नहीं छोड़ता ग्राउंड में, तो हमारी रेगुलर चलती है सुबह शाम, और खासकर अगर लड़कों का इंडिया कैंप में नाम आता है तो उसके बाद वो चीज फिर आप ये मान लीजिए कि 3 गुना 4 गुना कहीं तक भी जा सकती है ट्रेनिंग। तो भाई साहब ये चोट वोट का भी जरा बता दीजिए, चोट वोट कितनी लगती है इस खेल में, क्योंकि वैसे तो बहुत चोट लगती है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अगर आप पूछेंगे चोट की बात अगर आप करेंगे तो चोट जब मैंने शुरुआत की थी इनके साथ तो मुझे भी बहुत लगी थी, क्योंकि मैं ग्राउंड में खेलता हूँ इनके साथ, ताकि मैं समझ सकूं गेम को, और बच्चों को शुरुआत में चोट लगती थी, लेकिन जब से अगर इनको गेम आ गया, जब ये सही गेम सीखने लग जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत कम चोट लगती है। क्या क्योंकि बात? तब उनको ये पता लग जाता है, जैसे वॉय मैंने कहा ना कि वॉय बोलना है जी, वॉय बोलेंगे तो उनको पता है सामने कोई है तो टैकल कर जाएगा उसको साइड से, और वो पैर हाथ जहां उठाना है वहीं उठाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि, और एक नए लड़के को लेके आ जाएंगे या एक नए लड़की को लेके आ जाएंगे तो वो क्या है उनको गेम का पता नहीं, वो कहीं भी पैर उठा सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने भाई साहब, बीच में रोक रहा हूँ आपको, अभी लड़की का नाम लिया आपने, तो भारत में ब्लाइंड जो लड़के लड़कियां दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं? बिल्कुल, दोनों खेल रहे हैं, और इसमें जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है हमारा IBFF, तो उसमें अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि गर्ल्स की भी टीम, वुमेन की टीम लेके आ रहे हैं,
और ये तो पेंडेमिक आ गया, नहीं तो इस बार अक्टूबर में मतलब पिछले महीने ही वर्ल्ड कप होने वाला था जिसमें इंडियन वुमेन टीम का भी सिलेक्शन था और हम लोग खेलने जाने वाले थे नाइजीरिया में। वाह बहुत अब वो पोस्टपोन्ड हो गया, नवंबर 21 तक चला गया है, लेकिन इंडिया में अभी वुमेन फुटबॉलर्स भी बढ़ रही है। इसमें किसी लड़की का, किसी महिला प्लेयर का नाम अगर आप बताना चाहें? अभी तो उतना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही ज्यादा है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा आ रही है, इवन जो बैंगलोर में भी जो खेल रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ भी लड़कियों में इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी अब लड़कियों ने सर हम भी खेलेंगे ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। क्या बात है। देखिए आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बॉयज बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि 6 इंटरनेशनल यहाँ से दे चुके हैं हम लोग, गोलकीपर्स अच्छे अच्छे दे चुके हैं, तो आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि गर्ल्स का भी बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ से दे सकूं देहरादून से। एक बात भाई साहब जो बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ पूछने का जी, कि ये जो फुटबॉलर है मेन स्ट्रीम के जी, उनका तो हमको मालूम है कि क्या हिसाब किताब है, उनको कितना मिलता है, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात आ जाती है दिव्यांग साथियों की, दिव्यांग प्लेयर्स की, तो क्या वो किसी खेल को, खासकर अब आप फुटबॉल के संदर्भ में कहें, क्या किसी खेल को अपने आजीविका के रूप में वो देख सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं खेल में? बिल्कुल। मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, अगर आप क्रिकेट की और फुटबॉल की अगर हम बात करें तो 15 साल पीछे चले जाते हैं जी, तो इनकी स्थिति भी वही थी, उसके बाद वहां से उठे। बिल्कुल। तो हमारे आप ये मान के चले कि आज हमारी वर्तमान स्थिति वो है जो इनकी 15 साल पहले थी। अच्छा जी। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल करियर बना सकते हैं, और उसके बाद में आज मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अब जॉब देना शुरू कर दिया है, और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब में भी रखते हैं अभी कई लड़के क्रिकेट के लग गए, और उसके जो पैरा स्पेशली फुटबॉल जो इंटरनेशनल प्लेयर आप जैसे कह रहे हैं 6 निकाल दिए, तो उनको कितना मतलब पैसा मिला या उनको कितना आर्थिक लाभ हुआ, ये बताएं जरा आप मुझे सीधे। आर्थिक जी बिल्कुल, आर्थिक लाभ की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली तो उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना फुटबॉल में जो ISL खेल के लेते हैं या जो इंटरनेशनल सीरीज खेल के लेते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप या जो सपोर्ट है, जो एक सिस्टम मिलना चाहिए, वो अभी तक उतना है नहीं। तो अगर आप मुझे सीधे सीधे बोलेंगे तो मैं सीधे सीधे ही बताऊंगा आपको कि अभी तक तो ना के बराबर है। बिल्कुल। और अवेयरनेस की अगर बात करें सर, कि लोगों में कितनी बात है फुटबॉल को लेकर के, कितनी अवेयरनेस है? अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो हर किसी को देखना अच्छा लगता है। मैंने ये देखा है कि जहां तक आप कर रहे हैं, अगर आप सही से बताएंगे तो लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और लोग आना चाहते हैं, और इवन जो हमारे दृष्टि दिव्यांग हैं वो लोग भी गेम को अब लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब से अंकुर धामा को अभी टोटली ब्लाइंड और उसके बाद में आपको पता है अर्जुन अवार्ड मिला अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उस तरीके से जिस तरह से आप देख रहे हैं ना अपने आगे, कुछ ना कुछ उनको दिख रहा है, अब लोगों ने आना शुरू कर दिया। कोई शिकायत सर आपको अगर किसी से आज इस मंच पर अगर आप कहना चाहें, कोई मन में कोई कसक है आपके दृष्टि दिव्यांग साथियों की प्रगति को लेकर के खेलों में खासकर? तो मैं मेरी कोई कसक नहीं है, मैं सिर्फ अपने, क्योंकि मेरा जो मानना है और जिस प्रिंसिपल के साथ मैं चलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत कीजिए, जिस दिन आपका ढोल सही बजेगा उस दिन वो आवाज दूर तक जाएगी, और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं उठेगा। बस इतना ही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। कई बार देखिए जीवन में हडल्स आती हैं, हर किसी के आते हैं, क्योंकि मैंने दोनों लाइफ देखी हुई है। बिल्कुल। मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूं तो मुझे वहां की भी हडल्स पता है। अगर हो सकता है अगर मैं खुद नहीं खेला होता तो शायद मुझे बहुत सारी शिकायतें होती। बिल्कुल। और लेकिन मैं खेला हुआ हूं, खुद भी खिलाड़ी हूं, और उसके बाद वहां से निकल के आया हूं, और आज यहां पर एज अ कोच काम कर रहा हूं और लोगों के बीच में है, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का मतलब बहुत बड़ी कोई शिकायत है। हाँ, छोटी मोटी ये सब चलता रहता है, वो हर किसी का कुछ ना कुछ आते रहता है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मंच है ये जो आपने प्रदान किया मुझे, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ खेल, उनके खेल को सराहें, क्योंकि खेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो खिलाड़ियों के जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है उनके खेल को सराहें आप, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप उनको सपोर्ट करें ना। जैसे मैं आपको, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको कोई पैरा खिलाड़ी अच्छा लग रहा है और अच्छा करता है,
तो आप उससे भी वही काम करवाइए ना जो आप उधर करवा रहे हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बार मौका तो आके बोल सकते हैं। बिल्कुल, एक मौका तो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। च्यवनप्राश अगर वो बेच सकते हैं तो च्यवनप्राश हमारे खिलाड़ी भी बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो ये चीज है कि आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब आगे यही करने का इरादा है सर, या कुछ और सोचा है? सोचा कुछ नहीं है, बिल्कुल यही करूंगा। और खेल मेरा पैशन है, कोचिंग मेरा पैशन है, और मैं खासकर जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है अभी तो इन्हीं के बीच हूं, और कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में यहां से देहरादून से ही, क्योंकि ज्यादातर देहरादून इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहीं पे हूं मैं, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन। आपका कार्य क्षेत्र वही है जी। बिल्कुल जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां से जो भारतीय पैरा टीम है उनको अच्छे खिलाड़ी देने का मैं हमेशा मेरा प्रयास रहेगा, और मैं ये कोशिश करता रहूंगा हमेशा। अच्छा सर, IBFF जो बताया अभी आपने, उससे जुड़ना चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाला, चाहे वो फुटबॉल खेलना चाहते हो, ब्लाइंड हो, या मदद करना चाहते हो, तो क्या जरिया है सर? जरिया अगर आप देखेंगे तो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन अगर वो डालेंगे तो आपको वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा उनको, और वहां से वो अगर कोई दृष्टि बाधित है जो खेलना चाहता है जी, वो आपको भी संपर्क कर सकता है, मुझे भी संपर्क कर सकता है, और किसी भी जो खिलाड़ी जानता है, या आप सीधे, मैं फेसबुक पे भी हूँ, नरेश सिंह नयाल के नाम से हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पे ही सुनील जे मैथ्यू करके हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। रसद MRC करके है जो कि इंडियन टीम का कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आजकल सबसे अच्छा है कि सोशल मीडिया है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सीनियर खिलाड़ी हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन डालेंगे तो वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमारे आज तक के मैचेस भी मिल जाएंगे और आपको खिलाड़ियों के नाम भी मिल जाएंगे। दूसरा, अगर किसी दृष्टि बाधित अगर फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है, अगर वो खेलना चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप आगे आइए, हम हमेशा तैयार हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप फेसबुक में देख सकते हैं, आप इंस्टा में देख सकते हैं, मैं इसी नाम से हूं, और सुनील जे मैथ्यू वो भी उसी नाम से हैं जो कि हेड कोच हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के, और साथ ही रसद MRC जो है उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत खूब सर। अच्छा, चलते चलते ये और बता दीजिए कि किस एज ग्रुप में आमतौर पर बच्चे मतलब भारतीय टीम में आते हैं खेलने के लिए, और कहां किस एज तक खेल सकते हैं फुटबॉल को? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस वक्त जो एवरेज एज है वो 19 to 21 आप मान के चलो, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल, ज्यादातर खिलाड़ी जो यहाँ पर हैं वो मेरे पास स्कूल के बच्चे हैं, और ज्यादातर स्कूल वाले 12 तक जो रहते हैं जी। और जो बाहर से आते हैं वो थोड़ा सा एज के, जैसे ग्रेजुएशन और वो सब कर रहे होते तो वो लोग आ जाते हैं। और फिटनेस का सवाल है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कहाँ तक खेल सकते हैं, आप अपने आप को जान जी, आप अपने आप को जिस एज तक फिट रख सकते हैं, अगर आप इंडिया टीम में जो फिटनेस टेस्ट है अक्सर मैं ही कराता हूं, तो अगर आप फिट रख रहे हैं तो आप किसी भी एज तक खेल सकते हैं। तो भाई साहब, ये जो फुटबॉल है इसकी कीमत क्या है और ये कहां कहां से मिल सकती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया क्योंकि कई लोग अक्सर पूछते हैं ये। जी जी तो जी, एक बहुत अच्छी खबर है कि एक वेक्टर स्पोर्ट्स करके है जलंधर में, वेक्टर स्पोर्ट्स जी, आप नेट पे भी अगर डालेंगे वेक्टर स्पोर्ट्स तो उसका, और कीमत अभी 750 रुपए है। तो अगर आप बॉल के, जी बिल्कुल, अगर आप फॉरेन से लेंगे तो वही बॉल आपको 3,000-4,000 की मिलती है। वही बॉल मतलब वो अलग क्वालिटी अलग है उसकी, लेकिन ये बॉल भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी टेस्टिंग हमने करी है और IBFF ने इसका टेस्टिंग करने के लिए मुझे ही दिया था जी। तो हमने करी है, ये बहुत अच्छी बॉल है और इजीली अवेलेबल है, तो जो भी लेना चाहें वहां ले सकते हैं। और अगर किसी को कुछ करना होगा तो आपको मैंने बता दिया कि फेसबुक में आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेंजर में पूछ लीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया है। हाँ, सब और कुछ मेरा नंबर तो। मेरा नंबर भी अगर आपको है। हाँ, 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 बता दीजिए हमें, आपको आपत्ति नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बता दीजिए, मैं खेल के लिए हूँ। अगर किसी को संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 9719564581, रिपीट कर रहा हूँ, 9719564581। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और खेलों के लिए अगर किसी को कुछ भी सहायता हो, किसी भी तरह का पूछना हो, पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया मैंने कहा, फेसबुक पे नरेश सिंह नयाल के नाम से हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे मेरा नाम तो आपको वो बता देगा कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। बहुत खूब, बहुत श्रोताओं, नरेश जी ने बताया नहीं लेकिन फिटनेस के टिप्स भी ये दिया करते हैं,
तो आप अगर भले ही खेल में नहीं भी जाना चाहें, फिट रहने के लिए भी आप इनसे जुड़ सकते हैं, क्यों नरेश जी? बिल्कुल, कह रहा हूं। बिल्कुल 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 हमेशा तैयार रहता हूं मैं इन चीजों के। तो बहुत मजा आया नरेश जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? चलते चलते यही कहूंगा कि सुनते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। लेकिन जहां भी कोई पैरा खिलाड़ी मिल जाए या कोई आपको दृष्टि दिव्यांग या कोई भी पीडब्ल्यूडी कहूंगा, सिर्फ दृष्टि दिव्यांग ही नहीं, उनको ये मत सोचिए कि वो जा रहा है, उनको ये सोचिए चलिए साथ चलते हैं यार। तो इस तरह से लीजिए, मजा आएगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि उनकी जबरदस्ती मदद ना करें, अगर उनको मदद चाहिए तभी मदद करें, बस साथ ही बना के चलिए तो बड़ा मजा आएगा। कुल मिलाकर के हाथ नहीं साथ दीजिए। बिल्कुल, साथ ही बना के चलिए तो मजा आएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि हाथ देंगे तो फिर कहीं वो कहीं उसमें मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि ये हमारा दिवाली स्पेशल प्रोग्राम आप सबको जरूर पसंद आया होगा। इस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, जहां भी जिस भी मंच पर आप देना चाहें। रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का साझा प्रयास यूं ही जारी रहेगा और इसी तरह के स्पेशल एपिसोड हम वर्ल्ड डिसेबल डे 3 दिसंबर तक आप सबके बीच में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे, तब तक मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए और आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM, आप कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर और आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। तो मिलते हैं अगले शनिवार।